हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटो महल यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ एक मॉडिफाइड बजाज पल्सर 220 जो आप सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। क्योंकि जब भी मैं कोई बजाज पल्सर जो मैं मॉडिफिकेशन को वीडियो डालता हूँ या ऐसे कोई भी वीडियो डालता हूँ, आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हो। दोस्तों, इसी तरह से आपको इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करना है। दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि इस वीडियो में मैं आप सभी लोग दिखाने वाला हूँ एक मॉडिफाइड बजाज पल्सर 220 जिसको यहाँ पर मॉडिफाई किया गया एज अ स्ट्रीट ट्रैकर के स्टाइल में। जी हाँ, ये कोई कैफे रेसर या पावर या स्क्रैम्बलर नहीं है, ये एक स्ट्रीट ट्रैकर स्टाइल की बाइक है। और देखना, बहुत ही अल्टीमेट वर्क किया गया इस बाइक, काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। स्पेशली इसका कलर देखना, जो ऑल एंड ब्लैक फुल कलर का है, कलर किया गया बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया गया है। और दोस्तों, इस गाड़ी को मॉडिफाई किया 3V कस्टम्स ने, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक मॉडिफाई करते हैं। और आप लोग भी देखना, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आप सभी को ये वाला भी डिज़ाइन। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मैं एम करता हूँ मात्र 1000 लाइक्स का। प्लीज़ आप सब लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, क्योंकि आप लोग अच्छे खासे व्यूज देते हो, लेकिन प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कैसे लगी आपको ये मॉडिफाइड बजाज पल्सर 220 एज अ स्ट्रीट ट्रैकर स्टाइल में, और आप इस बाइक को 10% कितनी रेटिंग देते हैं। सो प्लीज़ 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 कमेंट जरूर कर देना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों, ये है एक मॉडिफाइड बजाज पल्सर 220 जिसको यहाँ पे मॉडिफाई किया गया एज अ स्ट्रीट ट्रैकर स्टाइल में। और आप लोग इस बाइक का डिज़ाइन देखिए, दिखने में कितनी ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि अगर मैंने इससे पहले बहुत सारे आपको मॉडिफिकेशन दिखाएंगे, पर जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा अलग है। हालांकि इस बाइक में ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन जितने भी यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं उसके बाद आप लोग देखिए बाइक का जो लुक है वो कितना ज़्यादा अलग आ गया। मतलब बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है बाइक। स्पेशली इसका जो पेंट स्कीम देखिए, यहाँ पे पूरी बाइक को सिर्फ एक ही टोन में पेंट किया गया है, वो है मैट ब्लैक। जैसे कि आप लोग देखें, सारे जगह पर यहाँ पर मैट ब्लैक की फिनिशिंग देखी जा रही है। और अब आते हैं इसके चेंजेस के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग चेंजेस देखेंगे तो इसके आप लोग टायर्स भी ध्यान देंगे, टैंक भी ध्यान देंगे, सीट भी ध्यान देंगे। सो मैं एक एक चीज़ करके आपको ध्यान देने से बताते रहूँगा। तो सबसे पहले बात आते हैं इसके फ्यूल टैंक के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग उसका फ्यूल टैंक देख रहे हैं, ये कस्टमाइज फ्यूल टैंक है और जो 3B कस्टम्स ने अपने पर्सनली इस मोटरसाइकिल के लिए बनाया है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। फ्रंट पोर्शन का हेडलाइट देखिए तो हेडलाइट आपके राउंड हेडलैम्प है और उसके ऊपर एक छोटा सा फ्लाई स्क्रीन भी रखा गया है। और अगर हम बात करते हैं रियर सेक्शन के बारे में, तो इसका जो रियर सेक्शन है वो पूरी तरह से यहाँ पर कस्टमाइज़ किया गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो पीछे का जो सेटअप है वो बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया गया है और जो उसका डिज़ाइनिंग है सीट की, वो भी यहाँ पर चेंज हो गई है। आप लोग पीछे का सेटअप देख सकते हैं किस तरह से बाइक का जो सीट का डिज़ाइन है, मतलब कुछ हद तक स्ट्रेट है, उसके बाद यह थोड़ा सा उठा हुआ है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक यूनिक स्टाइल इस मोटरसाइकिल को दिया गया है। अब आते हैं इसके टायर्स के ऊपर। सो यहाँ पे जो टायर्स है वो आपके सेम टू सेम ऑफ रोडिंग के डुअल स्पोर्ट्स के टायर हैं और यहाँ पर रिम्स भी सेम है। मतलब यहाँ पर रिम और सस्पेंशन सेटअप पर कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग डिज़ाइन देखिए, टायर्स के डिज़ाइन के बाद इस बाइक का जो लुक है वो कितना ज़्यादा यहाँ पर चेंज हो गया है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े, काफ़ी ज़्यादा चंकी टायर्स लग रहे हैं। और एक और चीज़ आप लोग ध्यान देंगे वो है इसके फेंडर्स। सो यहाँ पे जो इसका फेंडर्स वो भी यहाँ पे कस्टमाइज़ किया गया है। और आप लोग इसका एग्जॉस्ट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्जॉस्ट है वो SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगाया गया है, वो भी यहाँ पे पूरा ब्लैक फिनिशिंग में ही किया गया है। इवन जो इसका इंजन है वो भी यहाँ पे ब्लैक में ही फिनिश किया गया है। बाइक का हैंडल बार ध्यान देंगे तो काफ़ी ज़्यादा वाइड और काफ़ी ज़्यादा टॉल यहाँ पर हैंडल बार रखा गया है। अगर आप बजाज पल्सर 220 का देखते हैं तो उसका छोटा सा क्लिप ऑन स्टाइल में हैंडल बार रहता है, पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। फ्रंट पोर्शन से बाइक काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही है, क्योंकि इसका जो फेंडर है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्मॉल फेंडर बनाया गया, जिसके कारण जो बाइक का टायर का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा देखने में लग रहा है। तो आप लोग देखिए यार, इस मोटरसाइकिल में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ पर चेंजेस के फ्रंट और रियर फेंडर और इसका फ्यूल टैंक और पीछे का जो चेसिस है उसको यहाँ पर रीडिज़ाइन किया गया। उसके अलावा इस मोटरसाइकिल सब चीज़ अभी भी वैसा ही का वैसा ही रखा गया है। हालांकि इस मोटरसाइकिल में एसेसरीज अगर आप ध्यान देंगे तो वो यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज की गई है। जैसे कि इसका हेडलाइट चेंज हो गया है, पीछे का जो टेल लैंप है वो अब यहाँ पे LED टेल लैंप है, और इस ओवरऑल मोटरसाइकिल का जो पेंट है वो यहाँ पे पूरे से मैट ब्लैक हो गया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि अगर आप अपनी बाइक को किस तरह से कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो आप मतलब एक बहुत ही खूबसूरत मोटरसाइकिल को बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये बजाज पल्सर 220 थी और ये अगर ये सेम स्टाइल अगर आप देखेंगे तो आप कोई भी मोटरसाइकिल में कर सकते हैं। अगर आपके पास होंडा शाइन है या कोई भी 125cc या 150cc या 100cc वाली मोटरसाइकिल है, तो आप सभी लोग अपनी मोटरसाइकिल को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये मॉडिफाइड बजाज पल्सर 220 पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ यार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तभी मैं आप सभी लोगों को और भी वीडियोज़ दिखाते रहूँगा और भी इस अच्छे से वीडियोज़ दिखाते रहूँ। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि कैसी लगी आपको ये बजाज पल्सर 220। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन था, कलर था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो भी इस मोटरसाइकिल के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को क्या करना है, एक लाइक जरूर कर देना, और आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल विजिट करिए, देखना आप सभी लोगों को मेरे चैनल काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि मैं अपने चैनल में आप सभी लोगों को एक से एक बाइक के मॉडिफिकेशन की वीडियो दिखाता हूं, और जितने भी ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियोज़ होते हैं, एसेसरीज होते हैं, उन सबके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाते रहता हूं। तो प्लीज़ एक बार जाकर मेरे चैनल विजिट करिए, और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।